स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल चाकी, जगदीश चंद्र बोस की धरती की ओर से हम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उस धरती की ओर से हम पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं जहां से वंदे मातरम का अंकुर फूटा। उस धरती की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं जिस वंदे मातरम को गा गाकर, गुनगुनाकर, जिस वंदे मातरम के नारे लगा लगाकर खुदीराम बोस से लेकर 1947 तक 7,32,000 नौजवानों ने, 7,32,000 शहीदों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खाई। उस धरती की ओर से जहां मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई, उस धरती की ओर से 1757 के बाद सन्यासियों ने सबसे पहले जहां पर विद्रोह किया, सबसे पहले अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी, पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। पतंजलि योगपीठ, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और कृपालु देव आश्रम, इन तीनों की अगर बात की जाए और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में आज से 100 साल पुराना नाता है। हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज और रास बिहारी बोस दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे और रास बिहारी बोस का स्थान कितना बड़ा है, उनको क्रांतिकारियों का पितामह कहा जाता है, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों की फौज तैयार की। 1857 के बाद जब एक बार 50 साल तक ऐसा लगा कि कोई बड़ी सशस्त्र क्रांति नहीं हो रही है, बड़ा कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, तो रास बिहारी बोस ने 1910 में उस समय यह योजना बनाई थी कि अब 1857 की जैसी दोबारा क्रांति करनी है और अब की बार जो क्रांति हो उस वो क्रांति 1857 की तरह अपूर्ण ना रहे, अधूरी ना रहे, संपूर्ण क्रांति करनी है। ऐसे रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस 1908 से लेकर 1915 तक भारत के अलग अलग हिस्सों में रहे और उस दौरान वो देहरादून के वन विभाग में भी रहे। वहां पर नौकरी करते हुए वो पूज्य हमारे दादा गुरु कृपालु देव महाराज के लगातार संपर्क में थे। जब दिल्ली में वायसराय के ऊपर बम फेंका गया और उसके बाद जब पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी, अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, जिस समय क्रांतिकारियों से, पुलिस से डरकर क्रांतिकारियों को कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं था, कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए, संबंध रखने के लिए तैयार नहीं था, उस समय आपका पतंजलि योगपीठ, आपका दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, आपका कृपालु देव आश्रम एक ऐसा आश्रम था जिसने क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और उनका पूर्ण सहयोग किया। और मुझे लगता है पूज्य दादा गुरु कृपालु देव महाराज जी के विचारों के संवाहक के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज यहां पर हैं और रास बिहारी बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों के संवाहक के रूप में आप यहां पर हैं। तो ये दोनों मिलन उस 100 साल पुरानी विचारधारा का मिलन है कि वो क्रांति जो 100 साल पहले अधूरी रह गई थी उसको अब पूरा करना है। अपने पश्चिमी बंगाल की बात की जाए और पश्चिमी बंगाल के शेर की बात ना की जाए तो बातचीत अधूरी रहती है। वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया एक मत, बिना किसी वाद विवाद के महान सेनापति के रूप में मानती थी, वीर सैनिक के रूप में मानती थी, राष्ट्रनीति के विद्वान के रूप में मानती थी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार कदम उठा ले तो जो पीछे नहीं हटाता, ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार सोच ले तो फिर उसको करके ही ठानता है, ऐसे महान सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है।